वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है और सांप के जहर की दवाई बनने में हॉर्स यानी कि घोड़ों का क्या रोल होता है या फिर घोड़ों की क्या जरूरत पड़ती है सांप के जहर की दवा को बनाने में। और जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में बना हुआ है, हॉर्स किलिंग इज इक्वल टू एंटी वेनम। इसका मतलब यह है कि घोड़ों की जान लेके सांप की जहर की दवा बनाई जाती है, तो उस चीज का मतलब क्या है वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम ये जाने कि सांप की जहर की दवा कैसे बनाई जाती है, उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब हो सकता है आपने ये फैक्ट कहीं सुना हो, और फैक्ट ये है कि इस दुनिया में जितने भी सांप होते हैं उनमें से 80% ऑफ द स्नेक वेनमलेस, यानी कि 80% सांप ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी जहर नहीं होता है। यानी कि अगर उन 80% सांपों में से कोई सांप आपको काट देता है तो आपको कुछ नहीं होगा। अब ये फैक्ट हमने जान लिया, लेकिन इस फैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस फैक्ट का रोल क्या है टू बी मोर प्रिसाइज। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ सामने आ जाती है। आज भी हमारी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ऐसी चीज़ों में विश्वास करता है जो आज के समय में वे उन्हें नहीं करनी चाहिए। और वो ये है कि जब भी किसी गांव में या फिर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं है, वहाँ पे जब लोगों को सांप काट देते हैं तब वहाँ पे ज़्यादातर लोग उन लोगों को बाबा या फिर किसी ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो सांपों को झाड़ते हैं, यानी कि उनके जहर को मिटा देते हैं अपनी शक्तियों से। अब अगर हम साइंस को मानते हैं तो हमें किसी भी चीज़ को ऐसे नकार नहीं देना चाहिए। हम इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो चीज़ ये होती है कि जब हम ये चीज़ जानते हैं कि 80% ऑफ द स्नेक वेनमलेस यानी कि उनमें जहर नहीं होता है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा है तो उसे ऐसे सांप ने काटा होगा जिसके अंदर जहर नहीं होता है। तो अगर कोई बाबा या फिर कोई ऐसा इंसान जो सांप के जहर को झाड़ता है, हटाता है, आप उनके पास ले जाएंगे तो वो इंसान को भरोसा दे देता है कि हमने तुम्हारे अंदर से जहर को मिटा दिया है, तुम ठीक हो जाओगे, और वो इंसान ठीक भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रोल इस चीज़ का है कि सांप के अंदर जहर था ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वो बाबा आपको कोई ना कोई कहानी सुना देंगे, कोई ना कोई कहानी बता देंगे कि इसके ऊपर किसी नागिन का असर था, किसी ने आके बदला लिया है, या फिर ऐसी कोई कहानी बता देंगे। तो इस फैक्ट के कारण कि 80% स्नेक वेनमलेस होते हैं, इन बाबा का या फिर ऐसे लोगों का धंधा चलता रहता है जो सांप के जहर को झाड़ते हैं या फिर उड़ाते हैं। तो इसीलिए हमें अगर कोई सांप काटता है तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसे इंसान के पास जो सांप के जहर को उड़ाता है। अब ये तो बात हो गई एक जनरल इन्फॉर्मेशन की, अब हम बात कर लेते हैं कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है। अब हो सकता है आपने ये चीज़ कहीं ना कहीं सुनी हो कि सांप के जहर की दवाई बनाने के लिए सांपों को पकड़ा जाता है और उनसे उनका जहर निकाला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब उन सांपों से उनका जहर निकाल लिया जाता है तो उस जहर का टू बी एग्जैक्ट किया क्या जाता है, आखिर उस जहर से क्या बनाते हैं वो लोग, कि उस जहर से उस जहर की दवाई कैसे बनाते हैं। एंटीवेनम मेडिसिन या फिर एंटीवेनम सीरम बनाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रोसीजर ये है कि उन सांपों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन सांपों में जहर होता है, और उन सांपों का जहर निकाल के धीरे धीरे हॉर्स में यानी कि घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। अब जब वो लोग थोड़ा थोड़ा जहर घोड़ों में इंजेक्ट करते हैं तब घोड़ों की बॉडी में, हॉर्स की बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो हमारे शरीर में वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से लड़ने का काम करती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, और हॉर्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जब उनकी बॉडी में धीरे धीरे जहर को इंजेक्ट किया जाता है तब उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और उसी ब्लड को निकाल के, उन एंटीबॉडीज़ को निकाल के एंटीवेनम सीरम यानी कि सांप के जहर की दवाई बनाई जाती है। तो जब सांप के जहर की दवाई बनाई जाती है उनमें घोड़ों की मौत हो जाती है, और सीधे सीधे भाषा में घोड़ों को मार कर सांप के जहर की दवाई बनाई जाती है। तो आज की वीडियो को लेते हैं, अगर आपको ये चीज़ पता थी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। द लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।